अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको अपनी वीडियो में एक ऐसी मियां बीवी की कहानी बताएंगे जिसमें शौहर के मोबाइल ने बीवी को जेल की सलाहों पहुंचा दिया। जी नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात की एक खातून को शक करना, जासूसी करना इस हद तक महंगा पड़ गया कि जिसकी वजह से वो जेल की सलाहों तक जा पहुँची। जी हाँ, हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमीरात की अदालत की जानिब से एक खातून को शौहर के मोबाइल को बग़ैर इजाज़त चेक करने के जुर्म में 3 माह कैद सज़ा सुना दी। मुकदमा खातून के शौहर की जानिब से दायर किया गया था कि इनकी बीवी ने इनकी राजदारी के खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद खातून पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। कार्रवाई के दौरान अदालत ने खातून को इस जुर्म में मुलव्वस पाते हुए 3 माह कैद सज़ा सुना दी। मुकदमा दायर करने वाले शख्स का कहना था कि मेरी बीवी ने मेरे मोबाइल का डेटा किसी दूसरी डिवाइस में नकल के तौर पर मुंतकिल किया है और मेरे मोबाइल से तमाम डेटा उस वक्त तक चोरी किया गया कि जिस वक्त मैं सो रहा था। दूसरी जानिब खातून का कहना है कि मैंने सिर्फ कुछ तस्वीर और चैटिंग अपने मोबाइल में मुंतकिल की थी ताकि मैं अपने बहन भाइयों को इन्हें शेयर कर सकूं। खातून का दावा था कि इनके शौहर ने खुद मोबाइल का पासवर्ड इन्हें बताया था और मोबाइल चेक करने की इजाज़त भी इन्होंने खुद दी थी। जब खातून ने इन्हें किसी दूसरी खातून से बात करते हुए पकड़ लिया था। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात के कानून इंतहाई सख्त हैं, बिलखसूस जब किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी या राजदारी के हवाले से हों तो उसकी मुकम्मल हिफाजत की जाए। बाद सोशल मीडिया सारिफिन का बीवी से दिफा करते हुए कहना था कि अगर बीवी को उस पर शक ना होता तो वो शौहर का मोबाइल कभी चेक ना करती। क्या अब इस शख्स के लिए ये शर्मिंदगी का बाइस नहीं होगा कि इसकी बीवी जेल में है? तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया के सारफीन ऐसे भी थे जो अदालत के फैसले को दुरुस्त करार दे रहे थे। इनका कहना था कि खातून को जेल जाने की पूरी मुस्तहिक थी क्योंकि किसी ने भी इसे मोबाइल चेक करने की इजाज़त नहीं दी थी। मुत्तहिदा अरब अमीरात के साइबर कानून के मुताबिक किसी भी शख्स के मोबाइल को, फ़ोन को बग़ैर इजाज़त चेक करना गैर कानूनी जुर्म तसव्वुर किया जाता है। शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन को भी चेक नहीं कर सकते, चाहे इन्हें अपने शरीके हयात पर पूरा शक ही क्यों ना हो। नाज़रीन, आप इस बात पर किस हद तक एग्री करते हैं? क्या ये कानून पाकिस्तान में भी हो जाए ताकि बहुत से मर्दों को अपनी ज़िंदगी आसानी से जीने का मौका मिल सके? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, मुफीद लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे।